हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐसी फुल फॉर्म्स बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जो कि आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि SSC हो गया आपका, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, DSSB हो गया, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो गया या स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो गया, या आप CCC की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इन एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि जो GS का सेक्शन होता है, GS के सेक्शन में कंप्यूटर का भी एक सेक्शन होता है, कंप्यूटर का भी एक पार्ट होता है। तो उससे क्या होता है कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको वो फुल फॉर्म्स कराने वाला हूँ। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज की जो सबसे पहले फुल फॉर्म हमारी है वो है AAC। AAC की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। दूसरी जो हमारी फुल फॉर्म है वो होती है ABI। ABI की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। जो हमारी नेक्स्ट फुल फॉर्म है वो है AHA। AHA की फुल फॉर्म होती है एक्रेडिटेड हब आर्किटेक्चर। जो नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म है वो होती है ALGOL। इसकी फुल फॉर्म होती है एल्गोरिदम लैंग्वेज। ये पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो फुल फॉर्म है ये कई बार SSC के एग्जाम्स में आ चुकी है। नेक्स्ट जो हमारा है ये है AMD। AMD की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म है वो होती है AMR। इसका अर्थ होता है ऑडियो मॉडर्न रीजर। जो नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म वो होती है ATA। ATA की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नेक्स्ट हमारी है API। API की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जो हमारा नेक्स्ट है ये है AVC। AVC की जो फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड वीडियो कोडिंग। जो हमारा नेक्स्ट है वो है AVI। AVI की फुल फॉर्म होती है ऑडियो वीडियो इंटरलेवल्ड। जो नेक्स्ट हमारी ATM। ATM की फुल फॉर्म होती है एस्ट्रोनोसोरस ट्रांसफर मोड। इसका नेक्स्ट हमारा है BAL। BAL की फुल फॉर्म होती है बेसिक असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा BER। BER की फुल फॉर्म होती है बिट एरर रेट। नेक्स्ट हमारा BFD। BFD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर। नेक्स्ट हमारा BGP। BGP की दोस्तों फुल फॉर्म होती है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा BCD। BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये आपके पेपर्स में आ चुकी है। नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म है BINAC। इसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद हमारी BIOS। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा BPS। BPS की फुल फॉर्म होती है बिट्स पर सेकंड। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा BMP। BMP की फुल फॉर्म होती है बेसिक मल्टी लैंग्वेज प्लान। नेक्स्ट हमारा BLOG ब्लॉग। ब्लॉग की फुल फॉर्म होती है वेब लॉग। या आपने जो ब्लॉग वर्ड है बहुत आपने सुना होगा, जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है वेब लॉग। नेक्स्ट जो हमारी है CAI। CAI की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड इंट्रक्शन। नेक्स्ट हमारा है CAD। CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आपके आ चुकी है। इसके बाद है हमारा CAE। CAE की फुल फॉर्म है दोस्तों कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। ये भी आप याद करते हैं, ये भी पेपर में आ चुकी है। नेक्स्ट हमारा CD। CD का अर्थ होता है दोस्तों कंपैक्ट डिस्क या चेंज डायरेक्टरी। इसके दो अर्थ होते हैं। पेपर में यदि आपके क्वेश्चन आता है CD की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको इन दोनों में से कोई एक फुल फॉर्म दी होगी, या तो आपको दे रखा होगा कंपैक्ट डिस्क या आपको दे रखा होगा चेंज डायरेक्टरी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या हमारा CGA। CGA की दोस्तों फुल फॉर्म होती है कलर ग्राफिक्स एरी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आ चुकी है SSC के। नेक्स्ट जो हमारा है वो है CLI। CLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस।
जो नेक्स्ट हमारा है वो है सीएनसी। सीएनसी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी मैं आपको फुल फॉर्म्स करा रहा हूँ ये सारी वो फुल फॉर्म्स हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। तो सारे फुल फॉर्म्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नेक्स्ट जो हमारी है कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा है CIFS। CIFS की फुल फॉर्म जो होती है दोस्तों होती है कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा है वो है CIM। CIM की फुल फॉर्म होती है कॉमन इंफॉर्मेशन मॉडल। नेक्स्ट हमारा है CPU। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU को क्या कहा जाता है, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी CRS। CRS की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा CTR। CTR की दोस्तों फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद हमारा CUA। CUA की फुल फॉर्म होती है कॉमन यूजर एक्सेस। इसके बाद जो हमारा है CSI। CSI की फुल फॉर्म होती है कॉमन सिस्टम इंटरफेस। इसके बाद है हमारा CSV। CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। नेक्स्ट जो हमारा है DAT। DAT की फुल फॉर्म होती है डिजिटल ऑडियो टेप, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है आपका DDR। DDR की फुल फॉर्म होती है डबल डेटा रेट। नेक्स्ट जो हमारा है DES। DES की फुल फॉर्म होती है डाटा इंक्रीमेंटेशन स्टैंडर्ड। इसके बाद हमारा DFD। DFD की फुल फॉर्म होती है डेटा फॉलो डायग्राम। नेक्स्ट हमारा है DAO। DAO की फुल फॉर्म होती है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद हमारा है DAP। DAP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डायरेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में आ चुकी है। इसके बाद है आपका DFS। DFS की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा DBA। DBA की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DBA की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट हमारा DBMS। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है, ये पेपर में कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। DBMS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपको एकदम रट देनी है क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है बार बार। इसके बाद है आपका DVE। DVE की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो इफेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा DNS। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है आपका DOS। DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है DLL। इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। नेक्स्ट हमारा DLP। DLP की फुल फॉर्म होती है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट जो हमारा DMA। DMA की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसके बाद आपका DVR। DVR की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। नेक्स्ट हमारा है DTE। DTE की फुल फॉर्म होती है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। नेक्स्ट हमारा DTR। DTR की फुल फॉर्म दोस्तों होती है डेटा टर्मिनल रेडी। नेक्स्ट जो हमारा है ये जो थी ये फुल फॉर्म हमारी लास्ट फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। बाकी जितनी भी फुल फॉर्म्स है वो मैं आपको पार्ट टू में कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं इसके पार्ट टू में, तब तक के लिए गुड बाय।